लिखित क्या बना रहा? केक बना रहा। केक बना रहा? मम्मी को देगा? देगा थोड़ा सा? नहीं देगा। नहीं देगा? किसमें बना रहा केक? लिखित के बना रहा। क्या है वो? वो केक। केक है? हाँ। देना मम्मी को। वो बना, वो कलर, वो गैस। कितु ये कौन सा कलर है? वो ऑरेंज। ये कौन सा कलर है? वो ब्लू। ये? वो येलो कलर। ये? वो रेड। ये? वो ग्रीन। ये? वो पर्पल कलर। कितु से रेड? वाह। रेड? रेड कलर बोलो। रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर। ये कौन सा कलर है? वो ये वाला। ये वाला वो रेड कलर। तो गाइस लिखित रेड मतलब र नहीं, उसका घूमता है टंग तो वो व बोलता है, तो वो रेड नहीं बोलता है, वेड बोलता है। लिखित केक देगा मम्मी को? केक देना। देना मम्मी को थोड़ा सा। क्या बन रहा है? केक। केक बन रहा है? हाँ। मम्मी को थोड़ा सा दोगे? वो गरम कलर। गरम कर रहे हो? हाँ। ओके। लेकिन बेटा गैस पे प्लास्टिक नहीं रखते, बड़ा वाला स्टील रखते। स्टील रखते? हाँ, प्लास्टिक जल जाएगा गैस पे। वो मम्मो को। हाँ वो मम्मो को। वो मम्मो को टच कर लिया। टच कर लिया? हाँ लिया। ठीक है, चलो बाय बोलो। बाय। बाय। नमस्ते बोलो। नमस्ते। अच्छे से बोलो। नमस्ते। हाथ अच्छे से रखो। नमस्ते। बाय बाय। You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Cake? Cake nahi hai. Okay. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know, but some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wakes where I didn't mean to make them break, where I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty
on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. भारत माता की, भरत के मम्मी की। कौन है भरत की मम्मी? ये ओ सुभाष चंद्र बोस इधर आइवंडी तीयंडी वाडु पीकेस्तुन्नाडु हाँ टोपी लगा हाँ लगा अच्छे से लगा हाँ लिखित टोपी लगा लिखित टोपी लगा क्या बने हो टोपी लगा रहा इधर आ आनु बेटू अरे वाह बोलो तुम मुझे कून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भारत माता की जोर से नहीं बोलना क्यों नहीं बोलना नहीं बोलना लिखित को शूज पहनना कल पहनेंगे शूज सुबह अभी टोपी पहन ले हाँ अरे वाह छुबू मेरे छुबू क्यूटी छुबू बोल भारत माता की भारत क्या बना सुभाष चंद्र बोस मिनी सुभाष भारत हाँ छोटा छुबू बना छोटा सुभाष चंद्र बोस तो भी कहा गया मेरा मिनी ऑफिसर कम बैक गाइस तो अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के और मैंने लिखित को स्कूल से लेके आ गई हूँ और बताना तो भूल ही गई आज है 14th अगस्त और डे है वेडनेसडे तो आज है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस और ये वीडियो आने वाला है 15th अगस्त को तो हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और कल है रक्षाबंधन तो हैप्पी रक्षाबंधन तो आज लिखित का था क्या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और लिखित बना था सुभाष चंद्र बोस छोटा छुबू तो मैंने उसको कहा लिखित छोटा छुपू तो बोलता नहीं मम्मी लिखित तो सेम वही ड्रेस मैंने भरत को भी पहनाया इच्छा पूरी हो जाती है दोनों को पहना के तो जैसे आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र कर्नाटका के कुछ स्टेट्स में महाराष्ट्र में फ्लड्स आ चुके हैं और सच बता रही हूँ हमारे जो इंडियन आर्मी है हमारी जो फोर्स है बहुत ही अच्छा काम कर रही है रेस्क्यू काम कर रही है और अगर आप लोगों को पता है तो सुभाष चंद्र बोस का जो लिखित ने पहना था फैंसी ड्रेस में उसमें क्लियरली इंडियन आर्मी लिखा है और जब मैं बात कर रही हूँ ना तो देखिए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं मीन्स वो रिस्पेक्ट है मुझे इंडियन आर्मी के सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं जितने भी यूनिफॉर्म जॉब है फिर वो नेवी एयरफोर्स पुलिस जो भी है उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और उन सबको मेरे तरफ से एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट तो मुझे यूनिफॉर्म जॉब बहुत ही पसंद है और मैंने अप्लाई भी किया था मैंने PST भी क्लियर किया था यूनिफॉर्म जॉब का मैंने ITBP में अप्लाई किया था
फिर मैं जब लिखित 5 months प्रेग्नेंट था तब मैं PST क्लियर करी थी, और जब भरत से मैं कंसीव हुई थी तो मेरा रिटर्न का आया था तो मैंने मिस कर दिया रिटर्न। अब बहुत अफसोस होता है कि क्यों मिस किया। मेरी भी मतलब अलग पहचान रहती, सर पे टोपी, यहाँ पे शोल्डर पे स्टार्स, और देश के लिए कुछ करने की ये वो सब सपना सपना ही रह गया। पर सच बता रही हूँ, मेरे दोनों लड़के में से किसी ना एक को, किसी एक को नहीं बता सकती लिखित है या वो भरत, पर किसी एक को पक्का यूनिफॉर्म जॉब में करने के लिए अभी से मतलब उनको प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मेरी इच्छा थी वो इच्छा नहीं हो पाई और गलती भी मेरी है। आज भी कोसती हूँ, अच्छा खासा यूनिफॉर्म जॉब रहता, पर बच्चे भी इम्पोर्टेंट है। और फिर कुछ क्राइटेरिया थी, ओपन वालों को एज लिमिट होती है 25 years तक, अभी मेरी एज 26 है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो अभी जो भी है घर के काम, मैंने स्टेनोग्राफी किया है, आप लोगों को बताएं मैं शॉर्ट हैंड 180 के स्पीड तक कर चुकी हूँ, टाइपिंग भी कर चुकी हूँ, मतलब ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड थी मैं, पर फैमिली कम्स फर्स्ट तो इसलिए नहीं कर पाई। इसलिए मेरे एक बच्चे को देश के लिए प्रिपेयर करूँगी कि वो कोई भी यूनिफॉर्म जॉब, कोई ये नहीं है कि वो आर्मी में जाए, वो नेवी में जाए, कोई नहीं, कोई भी यूनिफॉर्म जॉब जो उनको पसंद है अभी से मैं सिखाऊंगी। और हाँ, क्राइटेरिया होता है कि हाइट अच्छी रहनी चाहिए, PST क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अभी जिसकी हाइट अच्छी है, मेरे हिसाब से लिखित की हाइट अच्छी रहेगी, कह नहीं सकते, भरत की भी हाइट अच्छी खासी हो सकती है। तो लिखित को या फिर भरत को जिसकी हाइट मतलब जो उस क्राइटेरिया में फिट होगा उनको उस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहूँगी। वैसे सिखाऊंगी दोनों को बेटा, मतलब जॉब जो यूनिफॉर्म जॉब है उसके देश के लिए क्या करना चाहिए, कैसे वो लोग लड़ते हैं, कुछ वीडियोस ऐसे करके उनको मोटिवेट करूँगी। पर बना मतलब यूनिफॉर्म जॉब पे तो एक को जाना ही जाना है कहते हैं फोर्स नहीं करना चाहिए, पर अगर सब जन को अपने हिसाब से मिल गया नौकरी तो फिर बाकी के नौकरी क्या है, सब फिर सोचेंगे मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, फिर बाकी के नौकरी कौन करेंगे। तो हर एक जॉब की वैल्यू अलग होती है। तो देखिए अभी दोनों में से कौन यूनिफॉर्म जॉब में जाएगा, तब तक मैं रहूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी इच्छा किसने पूरी की। अभी तो दोनों सो रहे हैं और गाइस सच्ची मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करूँगी। और आज आप लोगों से बात करने आई हूँ रक्षाबंधन राखी के लिए। तो देखिए राखी मीन्स रक्षाबंधन, सिर्फ भाई और बहन का त्यौहार नहीं है, हर एक इंसान जो किसी की रक्षा करता है इसलिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं। जो बंधन ही रक्षा का है, तो सिर्फ भाई नहीं रक्षा करता है बहन का, मम्मी रक्षा करती है, बहन करती है, मीन्स पापा करते हैं, हस्बैंड, अपना बेटा बेटी सब, तो हो सके तो इन सबको राखी बांधिएगा। मैं अपने पापा को राखी बांधती थी क्योंकि मेरे पापा के सिस्टर्स नहीं थे, मुझे बुआ लोग नहीं हैं, तो हम मैं और मेरी दीदी राखी बांधते थे मेरे पापा को। और लिखित में मैं अपने पापा को देखती हूँ, तो जब से लिखित हुआ है तो मैं हर साल लिखित को राखी बांधती हूँ। देव राखी कहते हैं वो राखी, मैं अपने हस्बैंड को भी बांधती हूँ, एक साल बांधा था और ये साल मैंने मेरे भाई को पहले ही राखी बांध दिया, और कल राखी है तो कल दोनों मेरे पिल्लुओं को भी राखी बांधूँगी। और फिर उनकी बहन तो आ ही रही है, मीन्स एक महीना तक करते हैं ना राखी, राखी पूर्णिमा से 1 महीना या 15 दिन, तो उनकी बहन तो आ ही रही है, छोटी क्यूटी पाई मेरा काला जामुन आने वाली है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, तो वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो गाइस कोई ये नहीं है कि सिर्फ भाई बहन ही राखी बांधते हैं, तो जो भी आपको लगता है कि ये मेरी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे, उनको राखी बांधिएगा। फिर बहन बहन को भी बांध सकते हैं,
आप अपनी मम्मी को बांध सकते हैं, क्योंकि हर एक एंगल में अलग अलग तरीके से वो आप लोग को प्रोटेक्ट करते हुए ही आ रहे हैं। तो सबके लिए है राखी का त्यौहार, तो अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और यहीं पे छोटा सा वीडियो अपना एंड करती हूँ। तो खुशी खुशी के साथ, बहुत खुशी के साथ अपने वीडियो को यहाँ एंड करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए तब तक ले बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।